वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं।
तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश बनूंगा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रतिष्ठा तथा अनिवार्य बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व तो उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो स्वयं भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते हैं, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय में उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में 10:33-31 की इसकी पुष्टि की गई है। नैतत् समाचरित जातु मनसापि यनिश्वरः विनश्यत्याचरन् मोध्यात् यरुन्द्रो दीजं विषम् ईश्वराणं वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववयोर्युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरित्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमाओं की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसे शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का प्रयत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसे ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, नहीं बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं सायं भूतले स्वयं रूपं मयां ददाति सर्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरु वैष्णवञ्च श्रीरूपं सागजातं सारजगन्नाथमिदं वंशजीवम् सारे नाम सारभूतं पर्यन्तं सहितं।
Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Pada Saralita Sri Sahadyam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Govesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Sute Devi Pranami Hari Priye Pancha Kalpatra Rubhasya Kripa Sindhu Vaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Satarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Lord Krishna is describing to Arjuna भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं Lord Krishna is describing about the nature of a self-realized soul, how he does not have any duty to perform, but still he engages in activities. भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जो जीवों के जो नेश्वर प्रकृति के विषय में जो वो चाहते हैं कि उसके जो कर्तव्य है उसको किस तरह से पालन करना चाहिए इस विषय We may think a self-realized soul doesn't have to do anything. हम लोग यह सोच सकते हैं कि जो आत्मा जो जो विकास कर चुका है उसको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है ऐसे सोच सकता है Sometimes even people think when they become a devotee that they don't need to work anymore. कभी-कभी हम लोग सोच सकते हैं कि हम भक्त बन जाए तो हम कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है कुछ काम करने के लिए But Lord Krishna is describing here that even the self-realized souls they will engage in activities. लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो आत्मा जो प्रसिद्ध भक्ति है वो भी कुछ ऐसे कार्यों में जो लग जाते हैं They will do their duties because they have some duty to perform. They should do it. वो लोग अपने कर्तव्य को करते हैं क्योंकि उनको करना है करना चाहिए उनके कर्तव्यों And this is particularly true for the case of Arjuna. और ये अर्जुन के लिए ही विशेष बताए गए हैं। Now Arjuna was in the beginning. Arjuna was arguing that if he fought, if he was to take part in this battle, then he was going to be the cause of unwanted progeny. अर्जुन ने शुरू में बताया कि यदि मैं इस युद्ध में लग जाऊंगा तो ये जहाँ पे जो भी इसमें जो अलग-अलग तरह के जो उत्पन्न होंगे इसके वही जिम्मेवार होंगे ऐसे अर्जुन ने बताया था भगवान कृष्ण को We all know what is meant by unwanted progeny. हम सभी लोग जानते हैं जो अनिवार्य जो चीज है वो सब क्या है जन समुदाय है Sometimes the girl is not married even and she's going to have a baby. कभी-कभी जो स्त्रियां विवाह नहीं करती हैं लेकिन वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है इसके हम देखते हैं All over the world, there are many young women in that condition, unmarried mothers. पूरी संसार में हम देख सकते हैं जो छोटे-छोटे जो लड़कियां हैं, वो बिना शादी के ही जो है बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हैं। She didn't really want to have a child. वो वास्तव में चाहती नहीं है बच्चे को जन्म देने के लिए। But somehow she conceived a child, and actually it's quite good because she delivered the child. वो चाहती नहीं है फिर भी वो बच्चों को जन्म दे देती है। It's often common today that young women will not even deliver the child; they will simply abort the child. और कभी-कभी देखते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो सही ढंग से जन्म नहीं देती हैं लेकिन उसको अबॉर्शन करा देते हैं।
So unwanted children, when the child grows up without a father, then it's not very easy for the child. ये अवांछित जन समुदाय है जैसे बिना पिता के जैसे कैसे हमको देखते हैं। Doesn't have anybody to discipline him or to train him. उस बच्चे को ऐसे कोई अनुशासन करने के लिए भी उसको ट्रेनिंग देने के लिए भी कोई नहीं होता है। And you find a lot of young people who are drug addicts or who have some serious problem such as alcoholism that they have grown up in that kind of situation. हम लोग देखते हैं संसार में जो ऐसे बिना पिता के बच्चे होते हैं तो कई मादक पदार्थ में या शराब में या नशे में जो लग जाते हैं और उनके कोई गाइड करने वाला नहीं होता है शिक्षित देने वाला। We would talk about it as some scars are lacking, not some scars. हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि संस्कार। A child born with some scars has, you know, will be very pure, you know, by nature. हम लोग जो बच्चे जो संस्कार में जो जन्म होता है जिसके परिवार में होता है तो वो स्वाभाविक ही वो अच्छा होता है वो है बच्चा। We see in the Bhagavad Gita, Krishna is describing the divine and demonic qualities to Arjuna. हम लोग भगवत गीता में देखते हैं श्री कृष्ण ने जो है और आसुरी और दैविक उसके प्रकृति के विषय में वो बता रहे हैं स्वभाव के बारे में। Which chapter? कौन सी चैप्टर है कौन सी अध्याय है कौन सी अध्याय है महाराज जी पूछ रहे हैं। He is saying 16 महाराज। 16 नहीं है। So and Krishna tells Arjuna, Arjuna, you don't have to be worried because you're born with the divine qualities. So Krishna Arjun को बता रहे हैं, Arjun आपको तो चिंता नहीं होना चाहिए, आपके पास तो बहुत सारे योग्यता है, उसके अनुसार आप जन्म लिए हैं। Birth is very important. जन्म बहुत जरूरी होता है। There's a good birth and there's a bad. अच्छे जन्म भी होता है और बुरी जन्म भी होता है। So Krishna is talking here. He says he would if someone does not perform their duty, then they can be the cause of unwanted progeny. Krishna यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि आपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो वो अवांछित जन समुदाय के जो कारण भी बन सकता है वह। Krishna says, if I don't work, I will be the cause. Of setting a bad example for others. Krishna स्वयं ही बोलते हैं यदि मैं नहीं करूंगा तो मैं दूसरे के लिए मैं ही एक उदाहरण हो जाऊंगा कि काम नहीं करेगा ऐसे बोलकर मैं ही जिम्मेवार हो जाऊंगा इसके लिए। Krishna has explained that people follow the example set by the leaders. कृष्ण ने बताया कि जो लोग जो हमारे लीडर हैं बड़े बड़े लोग होते हैं वो जो बताते हैं उसके अनुसार चलते हैं। And Krishna As a leader, many other people are following the example of Lord Krishna. भगवान श्री कृष्ण भी वैसे ही लीडर है और जितने बहुत सारे जीव हैं उनके अनुचर हैं पालन करते हैं। Krishna knows that people are following his example. कृष्ण जानते हैं जो लोग हैं उनके उदाहरण को पालन करते हैं। Therefore, he is very careful to set a good example. इसीलिए कृष्ण जो है उदाहरण देने के लिए बहुत अच्छा है वो स्वयं ही करके दिखाते हैं। He performs his duty. और कृष्ण अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं। Now earlier Arjuna said, if I fight, I'll be the cause of unwanted progeny. पहले अर्जुन ने बताए थे यदि मैं युद्ध करूंगा तो वहां से जो अवांछित जन प्रदाय जो उत्पन्न होंगे उसका कारण मैं ही बनूंगा। Arjuna's argument was that if I fight, Then it will be the cause of the death of so many kshatriyas. अर्जुन जो तर्क करते हैं, यदि मैं युद्ध करूंगा तो बहुत सारे क्षत्रिय इस युद्ध में मारे जाएंगे। And the kshatriyas, when they die, then their families will be left without any head of the family. The seniors in the family will not be there to guide them and to make sure they follow their good, keep their good culture. और जो इस युद्ध में जो मारे जाएंगे जो परिवार के जो मुख्य परिवार है मतलब पुरुष मारे जाएंगे
तो उसके द्वारा और जब मारे जाते हैं तो उस परिवार में जो बच्चों को जो भी वो गाइडेंस देने वाला उसको सिखाने वाला अनुशासित करने वाला कोई नहीं रहेगा उसमें. In every society, different parts of the world, you will see it's the elders who make sure that the culture is preserved. हम लोग समाज में देखते हैं सभी पूरे संसार में जो कोई भी समाज में होता है तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं घर के वही जो है संस्कारों की बात करते हैं उसमें. So Arjuna was worried that if there are no elders, if they're all killed in the battle, then we may lose our culture. अर्जुन यहाँ पे वो बहुत चिंतित होते हैं यदि सभी समाज के जो बड़े बड़े लोग नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति का विनाश हो जाएगा इसके विषय में चिंतित होते हैं. The young men will become irreligious. और जो जो जवान लोग हो जाते हैं धर्म रहित हो जाएंगे सभी. Just like we see today. जैसे हम जैसे हम अभी देखते हैं बहुत सारे जो युवक लोग हैं बिना धर्म के वैसे चल रहे हैं. And because the young men lose it, give up their culture, the young women follow them because the women are attracted to the young men, and the young men become irreligious, the young women will also become irreligious. जैसे युवक बिना धर्म के बिना संस्कार के हो जाते हैं तो और युवतियों भी जैसे लड़कियों भी ऐसे हो जाते हैं क्योंकि युवतियां जो है युवक से आकर्षण होता है इसीलिए वो भी बिना संस्कार बिना धर्म के धर्म रहित हो जाते हैं. Women are meant to be protected. Young women especially are meant to be protected and looked after. But when there's no elders there to protect them and to look after them, then they're easily prone to become irreligious. जैसे हम लोग देखते हैं युवतियां जो स्त्रियां होती हैं वो कहीं ना कहीं से रक्षा होना चाहिए लेकिन जब इस समुदाय के समाज के बड़े बड़े रक्षक ही नहीं रहेंगे तो वो दूसरे दूसरे अलग से हो जाएंगे सब. And when they become irreligious, then they get exploited by unscrupulous young men. And the result is they become pregnant. They have a child. जब वो धर्म रहित हो जाती है संस्कार रहित हो जाते हैं तो दूसरे दूसरे युवक द्वारा वो जो है वो गर्भवती होती है और उसके बाद में जो अवांछित बच्चे जो है पैदा हो जाते हैं उससे. Less intelligent women and lusty men. और जो कम ज्ञान और जो काम भावुक पुरुष महाराज बता रहे हैं. Prabhupada said, just like fire and butter, the man is like the butter and the woman is like a fire. महाराज जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि आग और घी है ना मक्खन जो पुरुष जो है वो मक्खन की तरह है स्त्रियां जो है आग की तरह है. So if you put the fire near to the butter will melt. हम लोग देखते हैं कि जो मक्खन को आग के नजदीक में रख देते हैं तो वो पिघल जाता है. So when the women are too close to the man, the result is the man become irreligious. जैसे स्त्रियां जो पुरुष के नजदीक हो जाते हैं तो वहां पे इरिलीजियस मतलब संस्कार रहित धर्म रहित हो जाते हैं उसमें. Prabhupada said that just like if you've got butter, he said on the packet of butter it said keep in a cold place. प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हम देखते हैं जो मक्खन उनको उसको जो है एक ठंडी जगह में रखना चाहिए. So we have to put on the forehead of all the young men. Keep in the cold place. हम लोग यहाँ पुरुषों के निधर में लिखना चाहिए कि उनको जो है ठंडी जगह पे रख दें. Keep them in the refrigerator. उसको जो है refrigerator में तुई में रख देना चाहिए. Don't put them near the fire. उसको अग्नि के पास में नहीं रखना चाहिए मक्खन को. क्योंकि वो जो मक्खन है कभी भी पिघल सकता है अग्नि के आसपास में हो जाएगा. Arjuna was saying like this that if I fight, it will be the cause of the women will become fallen and there will be unwanted progeny. अर्जुन यहाँ पे बताते हैं यदि मैं युद्ध करूंगा तो स्वजन मर जाएंगे बड़े तो जो स्त्रियां संस्कार रहित हो जाएगी फिर अवांछित बच्चे लोग पैदा होंगे उसका कारण मैं ही बनूंगा. So does Krishna agree with this?
कृष्ण यहाँ पे मानते हैं इसके विषय में? कृष्ण अग्री करते हैं यहाँ पे, मानते हैं अर्जुन जो बताए उसको मानते हैं अर्जुन? कितने लोग बोलते हैं कृष्ण ने हाँ बोले हैं बोलकर? कितने लोग को पता नहीं है? बहुत सारे को पता ही नहीं है महाराज जी बोलते। Now Arjuna is saying one thing, Krishna says no, not like that. It's just the other way. Arjuna इस तरह से बताते हैं, फिर कृष्ण बोलते हैं नहीं, दूसरी तरह से करना है इसको। Arjuna has got it wrong. He said if I fight, it will be the cause of the unwanted children. अर्जुन जो है वो गलत है। अर्जुन यह सोचते हैं कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो और जितने भी अवांछित बच्चे पैदा होंगे उसका कारण मैं ही बनूंगा, ऐसे सोच रहे। But Krishna says, if you don't fight, if you don't do your duty, that will be the cause of the unwanted children. लेकिन कृष्ण बताते यदि आप युद्ध नहीं करोगे, आप लड़ोगे नहीं, तब आपको ये सबों का कारण आप ही बनोगे। जो भी जो अवांछित बच्चे पैदा होंगे उसका कारण तब आप ही बनोगे, यदि आप युद्ध नहीं करोगे तब। And this is why Krishna is saying, even I am doing my duty. I don't need to do any work. I'm Bhagavan. I don't need rupees. All the rupees are all mine. इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि मैं भी स्वयं मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ, मुझे कोई रुपयों की जरूरत नहीं है, जितना भी रुपये मेरे पास में है, महाराज बता रहे हैं। मुझे कोई पैसे के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सभी पैसा मेरा ही है। मैं अमीर होने के लिए मैं प्रयास नहीं करता हूँ क्योंकि मैं भगवान हूँ। But still I'm working. फिर भी कृष्ण बोलते हैं, फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, काम करता हूँ। Why am I working? मैं क्यों काम करता हूँ? To show an example to everyone else. जो दूसरे लोगों के लिए उदाहरण देने के लिए भगवान स्वयं काम करते हैं। कृष्ण says if I didn't work, then everyone would follow my example. कृष्ण बोलते हैं यदि मैं काम नहीं करूँगा तो दूसरे लोग भी मेरे जैसे ही रहेंगे, काम नहीं करेंगे वो। Just like when India became Buddhist, everybody became a Buddha and everybody stopped work. जैसे इंडिया में जब बुद्धिस्ट हो गया था, बुद्ध धर्म अवलंबी, सभी लोग बुद्ध धर्म अवलंबी हो गए और सभी लोग काम नहीं कर रहे थे उस समय। The whole country fall apart. Nobody was growing anything. Nobody was planting the fields. Nobody was working. पूरी देश बिगड़ गया था, कोई पौधा पौधे भी नहीं लगा रहे थे, कोई काम भी नहीं कर रहा था, वैसे ही रह रहे थे सभी। सभी लोग ध्यान और समाधि कर रहे थे, आंख बंद करके कोई कुछ नहीं कर रहे थे। This is why Buddhism was rejected out of India. यही एक कारण है बुद्धिज्म में इंडिया से बाहर कर दिया गया। लोग देख रहे थे ये हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हमारे देश के लिए भी ये मदद नहीं हो रहा है, इसीलिए। We have to work. It is the nature of the soul to be active. हमें काम करना चाहिए, ये जो स्वाभाविक जो आत्मा का जो स्वभाव है उसको काम करना है, उसको एक्टिव होना है। कृष्णा says earlier that no one can be idle, not even for a moment. कृष्ण बोलते हैं कोई भी आइडल नहीं हो सकता है, कुछ देर के लिए भी नहीं। We are forced to act by the modes of nature. हमें जो प्रकृति के स्वभाव से हमें जो है फोर्स किया गया है, बाध्य है हमें काम करने के लिए। Try it. How long can you sit and do nothing? महाराज जी बोलते हैं प्रयास करो कि कितने देर तक कुछ नहीं कर करके रह सकते हो, कोई आप? 2 minutes. 2 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Very difficult. बहुत कठिन है। We are thinking we can stop and do nothing. हम लोग सोच सकते हैं हम सभी एकदम विराम हो गए और कुछ नहीं करेंगे। So it is the nature of the soul to be active. We have to learn how to perform proper activities. ये आत्मा का स्वभाव ही है, उसको कुछ न कुछ करना है, तो हमें ये सीखना चाहिए किस तरह से हमें काम करने के लिए। Therefore Vedic society is divided.
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र, इसीलिए वैदिक परंपरा में बताया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र अलग अलग और जो आश्रम में वानप्रस्थ सन्यासी गृहस्थ और सन्यासी चार आश्रम बताए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जीवन में अलग अलग कर्तव्य है उसमें बताया गया उनके गुण और कर्म के विभाग से अलग अलग उनके काम भी होते हैं Everyone has to have some kind of duty to perform. हम सभी लोगों को कुछ न कुछ कर्तव्यों को पालन करने के लिए होना ही चाहिए कुछ न कुछ But we have to be engaged according to our nature. हम लोग हमारी स्वभाव के अनुसार उसमें लगना चाहिए So Lord Krishna wants everyone, wants us to understand the importance of working. भगवान श्री कृष्ण हम सभी लोग को ये जानकारी देते हैं समझने के लिए कि हम कैसे कर्म करना चाहिए We don't want to give up work. We're Krishna consciousness movement is for enjoying, making our work joyful. हम लोग काम नहीं कर करके ऐसे नहीं रह सकते हैं कृष्ण भावना में मतलब हम लोग इसमें जो है आनंद उठा सकते हैं I was watching everyone during the kirtan. And I could see everyone was very joyful. Maharaj, everyone was dancing. Everyone was active. Maharaj kirtan में देख रहे थे सभी लोग को सभी लोग गा रहे थे कीर्तन कर रहे थे नाच रहे थे बहुत आनंद हो रहा था. When we engage in the service of Krishna, then naturally we feel joyful. हम लोग जब कृष्णा के जो कृष्ण भावनामृत में हम आते हैं इसमें तो हम स्वाभाविक ही हमें आनंद आएगा इसमें. Because that is a constitutional position of the soul to be engaged in the service of Krishna. ये जो आत्मा का स्वभाव ही है कि हम उसको जो है कृष्ण के सेवा में लगा We talk about Sanatan Dharma. What is that Sanatan Dharma? That is to be the servant of Krishna eternally. हम लोग सनातन धर्म के बारे में सोचते हैं और बताते हैं उस सनातन धर्म क्या है वो भगवान श्री कृष्ण के जो है हम सेवा करना वही है सनातन धर्म चैतन्य महाप्रभु से जीवेश्व स्वरूपाय नित्य कृष्णदास that the living entities are all eternally servants of चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य रे कृष्णदास जो भी जीव है वो कृष्ण का नित्य दास ही है When we are properly situated, we engage working, our work is done for the pleasure of Krishna. हम लोग जब जो भी हम लोग काम करते हैं वो केवल कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए होना चाहिए Under the influence of maya, ignorance, we are working for our sense gratification. लेकिन जब माया के अंदर में जब होकर के हम काम करते हैं तो वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है आपने इंद्रिय तृप्ति Just like somebody may think, I will come from Burma, I will come to Bangkok, and I will work in Bangkok and make a lot of money, and then I will go back to Burma and I will be rich. कोई ये सोच सकता है मैं बर्मा से आऊंगा और बैंकॉक में काम करूंगा बैंकॉक में बहुत सारे पैसा कमाऊंगा फिर बर्मा जाऊंगा इस तरह से सोच सकता है कोई But that is a material calculation. That is not the actual truth. ये जो वास्तविक ये भौतिकतावादी है वास्तविकता नहीं है इसमें We do not know what is actually the truth. हमें ये पता नहीं है वास्तविक सत्य क्या है We do not know what is actually our self. Interest, what is actually good for ourselves, that has to be understood. हमें वास्तव में यह भी पता नहीं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, क्या होना चाहिए. To understand that, we first have to know who is the self. Who am I? We have to understand that clearly. उससे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. इसको जानना बहुत जरूरी है. We are thinking, I am the body. And we are thinking if we can dress the body in the latest fashions, then my life is successful. हम लोग यह सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ
और इस शरीर में जो अलग अलग तरह के कपड़ा फैशन कर करके हम लोग पहनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया, ऐसे बोल करके हम सोचते हैं। I will get a mobile phone and I will get maybe even a laptop computer. मैं ऐसे सोचता हूँ कि हमें मोबाइल फोन मिल जाएगा, नहीं तो लैपटॉप मिल जाएगा, ऐसे हम सोचते हैं। And in this way my life will be successful. इस तरह से मेरे जीवन जो है धन्य हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। But we do not understand what is the situation of our soul. हम लोग ये नहीं जानते कि हमारे जो आत्मा का क्या दशा है, हमारे जो मृत्यु के समय में हमारे कौन सी हालत होगा, हम दूसरे जन्म में कहाँ पे जाएंगे ये भी नहीं पता। So the Vedic culture is to prepare us for the next life. जो वैदिक जो परंपरा है, वैदिक शास्त्र हमें दूसरे जन्म के लिए उस तैयारी करता है। We have first of all student life and then grihastha life. Grihastha life you can satisfy your material desires for some time. हम लोग पहले हम विद्यार्थी के जीवन होता है, उसके बाद में गृहस्थ जीवन होता है। महाराज जी बताते हैं गृहस्थ जीवन में हम अपने जो इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। But gradually with the body aging we become tired of trying to enjoy the समय आते आते हम ऐसे अपने इंद्रिय तृप्ति करते करते हम थक जाते हैं इस संसार से। And then we have to retire. उसके बाद में हमें रिटायर होना चाहिए। Just like all of you people, young people, you come and you come here to work, but as you get old, you want to go back to Burma. जैसे हम लोग यहाँ पे जितने भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब तक समय है हम काम करते हैं, जैसे वृद्ध हो जाते हैं तो महाराज कहते हैं हम सब बर्मा चले जाते हैं। You're not going to retire here in Bangkok. हम लोग यहाँ बैंकॉक में रिटायर तो नहीं होंगे, यहाँ पे हमेशा तो नहीं रहेंगे यहाँ पे। You go back to your roots. I want to go back to my roots, back to my home. But we don't know, we've forgotten where is our real home and what is our actual root. महाराज जी बोलते हैं कि हम जहाँ से रूट मतलब जो जड़ है जहाँ पे है वहाँ पे जाना चाहते हैं, हमारा घर कहाँ पे है वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में हमें ये नहीं पता है कि हमारा घर है कहाँ पर। हमें अगले आने वाले जो जिंदगी के लिए आगे वाले जन्म के लिए हमें तैयार हो कर लेना चाहिए। हम कहाँ पे जा करके हमारा जन्म होगा दूसरा जन्म। Just like we have this one Thai girl, well not girl, she's a woman. And so her husband, he was also a devotee and they were devotees in Krishna consciousness for many years. But then the husband got very bad disease and died. यहाँ पे महाराज जी बताते हैं एक माता जी है, उनका पति भी है, वो वैष्णव लोग हैं, बहुत सालों से वो भक्ति कर रहे हैं और प्रभु जी को कुछ ऐसे रोग हो गया, उस रोग की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। He died in good consciousness, hearing the holy name. उनकी मृत्यु के समय वो हरि नाम सुन सुन करके वो उनका मृत्यु हो गया। With association of devotees. और जो भक्तों के संगति में ही उनकी मृत्यु हो गई। So his wife becomes a widow. The husband is gone, and then she's left on her own. What does she do? और वो जो माता जी अकेले रह गए उनके पति चले जाने के बाद, वो क्या करेंगे? So she is preparing now to go to Vrindavan. She wants to live in the ashram for single women. और वो माता जी तैयार कर रही है वृंदावन जाने के लिए, आश्रम में रहने के लिए, उनके जीवन बिताने के लिए वृंदावन में। And she would like that she can leave her body in Vrindavan. और वो उनकी शरीर को वृंदावन में ही छोड़ सके, मतलब वहाँ पे मरने के लिए तैयार हो सके। और ऐसे ही हम आज भी देख सकते हैं वृंदावन धाम में जो ऐसे वृद्ध माताएं हैं वहाँ पे शरीर छोड़ने के लिए वृंदावन में चले जाती है। ना केवल स्त्रियां, पुरुष लोग भी वहाँ पे वृंदावन में जाते हैं इस तरह से शरीर छोड़ने। वृंदावन इज अ प्लेस मेंट फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट फ्रॉम द मटेरियल लाइफ एंड टेकिंग अप स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल एक्टिविटी।
वृंदावन जो है हमारे रिटायर काम जब खत्म हो जाता है वृद्ध होता है उस समय के लिए है वृंदावन में और वहाँ पे भक्ति करने के लिए आध्यात्मिक चीज करने की जगह है वहाँ Just like Srila Prabhupada, when he left his home, he went to Vrindavan to stay in Vrindavan. जैसे प्रभुपाद जी जब घर छोड़ करके गए तो वहाँ पे वृंदावन में रहने के लिए चले गए प्रभुपाद जी. And to get the association of the devotees and all the wonderful deities there in Vrindavan. और भक्तों के संगति के लिए और जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे विग्रह हैं. विशेष विग्रह उनके संगति के लिए चले गए So this is retired life. And people generally should retire at a certain point. महाराज जी बोलते हैं कि ये जो है वृद्धावस्था है और कुछ कुछ वृद्धावस्था होने के बाद हमें भी ऐसे जो है होना चाहिए रिटायर होना चाहिए In the scriptures, it is said, Panchasodvam Vanam Brajit. From the age of 50, One should go and retire, go to the forest, take vanapras. शास्त्र बोलता है कि 50 साल के जब हो जाते हैं तो उसको घर छोड़ कर करके वन में जाना चाहिए भक्ति करने के लिए. As we get 50, why 50? Because half the life is over. You have to prepare for the next life. महाराज बोलते क्यों 50 में क्यों क्योंकि आधा जीवन तो खत्म हो गया और दूसरे जीवन के लिए हमें अभी से 50 साल के बाद में तैयारी करने के लिए और कुछ समय लगता है अगले जीवन करने के लिए उसके लिए तैयारियां करना है Because we get very attached to a material situation. You may get very attached to a wife and children, or you get very attached to a job and a home. क्योंकि हमें बहुत आसक्ति होती है अपने परिवार में पत्नी में बच्चों में अपने काम में इसीलिए आसक्ति बहुत होती है And it takes time to change the attachment and to become attached to Krishna. इस ये समय लगता है इस सब आसक्ति से रहित होने के लिए और कृष्ण से आसक्ति बढ़ाने के लिए समय लगता है इसीलिए So before you get too old, you have to go there to Vrindavan and prepare. हम ऐसे नहीं कि बुढ़ापे होने से पहले ही हम वृंदावन में जाना चाहिए और अगले जीवन की तैयारी कर लेना चाहिए In previous ages, people would go to the forest, but in this age, you can't go to the forest. You just go to the holy town, like Vrindavan. पहले पहले के लोग जो है जंगलों में जाया करते थे लेकिन आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं जंगल में नहीं जाते हैं तो हम धाम में जा सकते हैं वो साउथ अमेरिका से आए हैं और वो जो रिटायर हो गए मायापुर धाम में इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट मेकिंग देयर होम इन बैंकॉक वो बहुत बहुत ज्ञानी है बहुत इंटेलिजेंट है बैंकॉक में आकर ये घर नहीं बना रहे वो They make their home in Vrindavan or Mayapur, some holy place where they can get spiritual benefit. वो ऐसे वृंदावन और मायापुर ऐसे जगहों में अपने घर बनाते हैं और वहाँ पे आध्यात्मिक जो है हमें प्रगति कर सकते हैं ऐसे जगहों में घर बनाते हैं। We want to be very careful how we use this human life. हम लोग बहुत सावधान होना चाहिए हमारे ये जो मनुष्य जीवन कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग Just to have some money in the bank, just to have some material comforts, it does not help us at the time of death. ना केवल बैंक में पैसा होना और जो जो भौतिकता जो इंद्रिय सुख पाना ये हमें मृत्यु के समय में ये सब हमें मदद नहीं कर सकते ये सब चीज There's this one man, he is teaching art of living. Our Hare Krishna movement is teaching art of dying. एक आदमी वो सिखाता है art of living कैसे रहना चाहिए लेकिन महाराज जी बोलते हैं कि कृष्ण भावना सिखाते हैं कि कैसे मरना चाहिए Right? We're concerned about your next life. हम लोग सोचते हैं दूसरे जीवन के लिए आने वाले जीवन के लिए We want to get the best. In our next life, the best life. And the best life means that we can go to Golok.
हम लोग दूसरे जीवन के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, अच्छा मतलब गोलोक धाम चले जाए ऐसे चाहते हैं। But to do that, we have to prepare and take some time, some preparation. तो वहाँ भगवान के धाम जाने के लिए कुछ समय लगता है, हमें तैयारियां करना चाहिए। You need association, you need training. हम लोग भक्तों का संगति चाहिए, हमें ट्रेनिंग करना है, सीखना है। You have to be in the association of devotees who are seriously hearing and chanting the message of Krishna. हम लोग भक्तों के संगति में रह करके जो है, और हमें जब अच्छी तरह से करना है और सुनना है और भगवान के उपदेशों को। So you're very fortunate that we have a small Hare Krishna center here. हम लोग बहुत भाग्यशाली है, हमारा छोटा सा हरे कृष्ण जो सेंटर है यहाँ पर बैंकॉक में। This is like embassy to go to the spiritual world. अरे बाबा, ये जो हम ये जो है महाराज बताते हैं एम्बेसी है, कहाँ जाने के लिए? भगवान के धाम जाने के लिए एक एम्बेसी है। अरे बाबा, we are very glad this year some 30 devotees from Kosamoy are going to Vrindavan. इस साल जो कुछ कोसामुई के भक्त लोग वृंदावन जा रहे हैं, तीस लोग। कोसामुई इज अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, 30 पीपल ऑल गोइंग टू वृंदावन। कोसामुई बहुत छोटा जगह है, बहुत सारे 30 भक्त लोग वहाँ वृंदावन जा रहे हैं इस साल। हाउ मेनी आर गोइंग फ्रॉम बैंकॉक? बैंकॉक से कितने लोग जा रहे हैं? वेरी लेस। They are not raising hand, Maharaj. Yeah. No one. There is. How many? Very few. How many? हाथ ऊपर कर लीजिए, कितने लोग जा रहे हैं वृंदावन इस साल? 1, 2, 3, 4, 5, 10 around. About 10. So Kosamoy has got 3 times Bangkok. Kosamoy इन गुना ज़्यादा है बैंकॉक से। Anyway, we hope next lifetime, Bangkok will be well represented. Maharaj बोलते हैं दूसरे जन्म में बैंकॉक हो सकता है अच्छे से represent करेगा वो। Any devotees of Bangkok will be in Vrindavan next life. Okay, Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Prabhupada ki Jai, Premanande. It's all in His Bhakti Vigna Vinashana.